कानपुर जिले के एक शासकीय स्कूल में प्रधान अध्यापिका के द्वारा छात्र की पिटाई के मामले में शिक्षा विभाग ने जांच के बाद कार्रवाई करते हुए प्रधान अध्यापिका को निलंबित कर दिया है। कानपुर के बिठूर थाना क्षेत्र में प्राइमरी स्कूल की प्रधान अध्यापिका के द्वारा बच्चे को बेरहमी से पीटने के आरोप में प्रधान अध्यापिका को निलंबित कर दिया है। इस पिटाई का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। मासूम बच्चे ने बताया था कि उसकी गलती यह थी कि वह मिड डे मील का भोजन लेने के लिए घर से थाली नहीं लाया था, जिसके बाद प्रधान अध्यापिका ने उसकी जमकर पिटाई कर दी थी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो का संज्ञान लेते हुए कानपुर नगर BSA सुजीत कुमार ने प्रधान अध्यापिका के खिलाफ जांच करने के बाद उन्हें निलंबित करने का आदेश पारित कर दिया है। क्या मामला है आपका? बच्चा आया स्कूल, तो बच्चा मेरे को मैडम ने खून मारा और खून मारा, खून नाके से खून ज्यादा बन रहा था, फिर मैडम जबरदस्ती उसको करा दिया, लिटा दिया कि ये कैसे खून बंद हो जाए। कल मारा था? कल मारा है, और उसको खाना भी नहीं खिलाया और उसको भी वो हमारे बच्चे को यहाँ पे लिटाए रहे, तो हम लोग आए घर से तब खा लो। मैडम का क्या नाम है? नीता दीक्षित। क्या हुआ था? हम लाइन में खड़े थे, लंच हो गया, लंबा लंच खड़े थे, सहजा मैम उन्होंने पूछा कि आप आज तुम थाली क्यों नहीं लाए, हमको पता ना, उन्होंने कहा कि मैं उनको पता नहीं था कि तबियत ना कि नहीं, तो मैंने आई उनको मान लिया। कहाँ मारा था? यहाँ पे मारा था खून भी आया था। नमस्कार, मैं सुजीत कुमार सिंह, BSA कानपुर नगर। मीडिया में एक प्रकरण चौबेपुर ब्लॉक के बनी स्कूल का प्राथमिक विद्यालय का संज्ञान में आया है, जिसमें प्रधानाध्यापिका नीता दीक्षित द्वारा बच्चे की बेरहमी से पिटाई की गई है। खंड शिक्षा अधिकारी चौबेपुर को घटना की जांच के लिए भेजा गया है। खंड शिक्षा अधिकारी चौबेपुर की जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रथम दृष्टया शिक्षिका को दोषी पाया गया है, जिसके आधार पर निलंबन की कार्रवाई कर दी गई।